से मैं मुंबई से आया हूँ तो सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर लोग बाग रात को काम करते हैं, दिन में आराम करते हैं और रात को काम करते हैं। तो जैसे एक हफ्ता मैं वहाँ पर रहा तो मुझे खुद को ऐसी रूटीन लग गई है कि मैं भी अब रात को ही काम करने लग गया हूँ। एक सेकंड रुको, 1:08 हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन बकरे उतारने। कुछ बकरे हमारे आ रहे हैं, दो मेवाती के बकरे हैं माशाल्लाह। इधर देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पे ना, देख कितना ट्रैफिक है यहाँ से ना। जैसे मुंबई में बहुत ट्रैफिक था ना, तो ऐसे सेम ट्रैफिक है यहाँ पर। क्या लग रहा है तुम्हें घूमते हैं? अरे यार तुम यार, जब से मैं मुंबई से आया हूँ ना तो मुझे ना आदत पड़ गई है रात को घूमने की, तो हम अभी घूमने जा रहे हैं। जैसे माशाल्लाह जैरिन बहुत सारे आए हुए हैं फिलहाल मिले में, मजा आ रही है रात को घूमते हुए। नहीं है सही बता, देख मैं मुंबई से ही सीख के आया भाई रात को घूमना बस। अब देखिए दिन में सुहाग रहेंगे पढ़ के, रात को अपने बकरों का ध्यान रखा करेंगे ठीक है। इसके गले में इंशाल्लाह इनकी वीडियो आप लोगों को दिख जाएगी ब्लॉग में। अभी क्या है कि बकरे आए हैं और अंधेरा हो रहा है, स्टेशन पे खड़े हैं, अभी घर चलते हैं और फिर आप लोगों को सुबह दिखाते हैं क्या चीज़ हम लोग लेकर आए थे। रात हमने पूरी काली कर दी इनके चक्कर में, दो गए कर दियो तो मिशन सक्सेसफुल। टाइम बता देते हैं, नींद से मेरी आके आप लोग देख रहे होंगे 3 बज गए हैं और मैं जिस टाइम निकला था मैं टाइम बता के निकला था, आई थिंक 1 बजे में निकला था करीबन। और अभी मैं आया हूँ मेरे रूम पर, सुल्तान और भाई को छोड़ दिया है फार्म पर। बकरे में इंशाल्लाह आपको सुबह दिखाऊंगा कि क्या क्वालिटी के बकरे आए हैं, अच्छे बकरे दिखने में हो रहे हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे बकरे हैं। जो लोग मेवाती का शौक करते हैं और जो पालते हैं घर पर, उन लोगों के लिए बढ़िया बकरे हैं क्योंकि घर के पले हुए बकरे हैं। मुंबई का लाइफ स्टाइल दिमाग से नहीं निकल रहा भाई। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं फार्म पर जा रहा हूँ और अभी उठा हूँ मैं जस्ट ना, बट कोई नहीं इंशाल्लाह। वो चक्कर ये कि रात बहुत लेट आए थे और बहुत लेट सोया था हमें, मगर कोई नहीं इंशाल्लाह भी जाते हैं फार्म पर और सब चीज़ें ट्रैक पर करते हैं और आपको बकरे दिखाते हैं कैसे बकरे आए हुए हैं। वो जो दो बकरे हम रात उतार कर लाए थे क्या पोजीशन है उनकी इंशाल्लाह से। एक बच्चा ये है, ये दो दांत पर है, लेवड़ा बॉडी वेट जो भी होगा इंशाल्लाह मैं ब्लॉग के एंड में इसका लगा दूंगा। हमें जो बताया गया है वो 65 kg बॉडी वेट बताया गया है और मेरे हिसाब से ये 55-60 kg लग भी रहा है। कलर पैटर्न का अच्छा है, हाइट में 37-38 inch की हाइट भी दिख रही है। और एक बच्चा ये रहा माशाल्लाह, ये जोड़ी है बहुत ही अच्छी माशाल्लाह, 4 दांत कंप्लीट है और छठा बहुत जल्द कर लेगा भाई लोग, क्योंकि अपने को काम ऐसा नहीं करना कि कल को कोई बात अपने ऊपर आए। जो डिटेल है आपके सामने भाई, पकड़ के लाना जरा से बकरे को। कलर पैटर्न के बहुत अच्छे हैं दोनों बकरे, इसे भी चलने फिरने बस 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 माशाल्लाह। इधर को लेके यार सुल्तान, इसे भी ले, ये देख लीजिए माशाल्लाह दोनों जोड़ी बहुत बहुत लाजवाब है। और इंशाल्लाह अगर कोई भाई इनको घर में पालता है बकरों को तो 100 kg के करीबन ये बच्चे आने चाहिए। एक नॉर्मल वेट बता रहा हूँ 100 kg का। हम लोग इनको पलाई पर नहीं रख सकते, उसका रीज़न ये है कि भाई लोग हमारे फार्म पर फिलहाल बहुत सारे बकरे अवेलेबल हो गए हैं जो कि पलाई पर हैं, तो हम पलाई पर नहीं रख पाने के। अगर आप लोगों को अगर ये बकरे चाहिए हो तो आप लोग रख सकते हो। दोनों ही बकरे माशाल्लाह क्वालिटी के हैं। दांतों में एक ये वाला जो बकरा है पीली गर्दन में जिसको बोलते हैं, 2 दांत है और ये 4 दांत के बाद छठा दांत भी बहुत जल्द कर लेगा। अच्छे बकरे हैं माशाल्लाह, बनावट अच्छी है, पले हुए घर के पले हुए हैं। अगर कोई भाई लेके घर में इनको पालना चाहे तो घर में बकरे सेट है, पत्ते वगैरह पत्ती वगैरह सब खाते हैं माशाल्लाह। किसने 5वां दांत कर रहा है, छठा ने तोड़ा है तो तोड़ रखे इसने। इनका एक बार वेट भी कर लूँ ठीक है, ये भी कर ले खा देगा वीडियो आ जा। लेकिन अभी कांटा तो रख ले पहले, सही से छोड़ देना पहले कांटा बना ले वहाँ, छोड़ दे। हाथ पैर के बहुत अच्छे हैं, हाथ पैर के बहुत अच्छे हैं बकरे। वजन जैसा भी रहेगा अभी मैं आपको बता देता हूँ करके। बकरों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, रात आए थे ये, अब पता नहीं मालिक ने सुबह रात के टाइम इनको खिलाया था या नहीं खिलाया था। वैसे मैं यही कहता हूँ हर आदमी को जो हमारे बकरे लोड करते हैं कि भाई बिना खिलाए पिलाए भेजना बकरों को, क्योंकि बकरे सफ़र में स्ट्रेस में आने की वजह से गैस वगैरह बना लेते हैं जिसकी वजह से बकरों को मसला हो जाता है दूसरी जगह बदलने पर। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या बॉडी वेट इनका आता है, क्या जजमेंट रहता है। मेरे हिसाब से इनका वेट आना चाहिए 56-57 kg के करीब मेरे हिसाब से।
चढ़ा एक बकरे को चढ़ा हट। ये जीरो है, ये कांटा है और ये हीरो है। चलो डा अट्ठावन केजी बॉडी वेट है, 58 किलो बकरा है। आप इसको 60 किलो के करीब मान के चलिए क्योंकि सफर में भी टूटे हैं बकरे, तो 60 किलो का जानवर है माशाल्लाह। अब दूसरे बकरे का मुझे ऐसा लगता है कि उसका इससे थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। लिया भाई इसको भी बकरा ना कोई दिखा दे, रुक जा दिखा दे चल। ये दो दांत वाला बच्चा है माशाल्लाह। ये भी 60 किलो है। मैंने बोला था आप लोगों को हल्का सा प्लस दिख रहा है बकरा, ये दो दांत पर है। सिंगल बकरा नहीं मिलेगा तो प्लीज भाई ये जोड़ी में ही जाएंगे क्योंकि एक बकरा हो जाने से परेशान हो जाते हैं। आ भाई ले आना, दोनों बकरे 60-60 किलो के हैं, दोनों बकरों का बॉडी वेट 60-60 केजी आप मानकर चलिए। और नए बच्चे हैं माशाल्लाह, क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, बाल बाल सब साफ हुए हुए हैं। और दोनों ही बकरे कलर पैटर्न के बहुत अच्छे हैं। ये लाल अबलक में आएगा और वो हमारे मेरठ और दिल्ली की साइड में इसको शायद से पीली गर्दन बोलते हैं। माशाल्लाह अच्छा बकरा है, लेंथ अच्छी है, पैर अच्छे हैं, खेलने कूदने में अच्छा है बकरा। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है बकरों का। ये देख लीजिए, जिस किसी भाई को इन बकरों में इंटरेस्ट हो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है स्क्रीनशॉट लेकर। इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा आप लोगों को मुनासिब रेट में करके दे देंगे। बहुत अच्छी जोड़ी है कुर्बानी के पर्पस से। अगर आप लोगों को मेवाती बकरों का शौक है तो दोनों बकरे बहुत अच्छे हैं। लई सुल्तान ने बहुत अच्छी जोड़ी है माशाल्लाह, दोनों साथ साथ ही घूमते हैं माशाल्लाह। चलो 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। किसी भाई को चाहिए होंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप कर दे, मेरा नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को मिल रहा होगा। इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा मैं रेट बहुत मुनासिब करके आप लोगों को दे दूंगा। अच्छे बकरे हैं, कुर्बानी अगर करना चाहते हो, पालकर शौक करना चाहते हो तोतापुरी बकरों का, तो आज के टाइम में इतने सेट जानवर मिलना एकदम से पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि जो बेसिकली जंगल से जानवर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बच्चे छोटे बच्चे घर में पले हुए हैं और घर के सेट जानवर हैं, अच्छे खासे खाने पीने वाले बकरे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप लोग ये सौदा करते हो। बाकी जिसका नसीब होगा जैसा भी होगा अल्लाह बेहतर जाने, तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करिए और जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा। होप ये व्लॉग आप लोगों को समझ आया होगा, अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।